नमस्कार, व्हाट्सअप गाइस, मैं आ चुका हूँ फिर से। आज वाली वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में हमें मिला था टेक्नो गेमर्स का बेस एंड उसके साथ साथ मैंने आप लोगों को बोला था कि आज मैं करने जाने वाला हूँ अपना बेस कहीं और शिफ्ट, क्योंकि ये देख रहे हो यार, लाइक ये मेरा पहला बेस है। मुझे बुरा भी लग रहा है, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही बना दिया था यार कि लाइक रहने की जगह चाहिए थी। एंड लाइक देख रहे हो ये लोग भी अटक जाते हैं इन बेसेस में। सो इसीलिए आज की इस वाली वीडियो में हम अपने लिए एक अलग सा बेस भी बनाने जाने वाले हैं। सो सबसे पहले ना हम लोग निकल जाते हैं आज का बेस के लिए लोकेशन ढूंढने के लिए। मेरे को एक लोकेशन मिला था, सो मैं आप लोगों को वो दिखाना चाहता हूँ। वो कहाँ था, एक सेकेंड। हाँ, ये जगह था क्या? नहीं, ये तो वो टावर हो गया। इधर से जाना था अपने को। ऑल राइट, सो इधर तो हम लोग आ चुके हैं गाइस। अभी फेंगलोक को लेके हम लोग सबसे पहले निकलते हैं, क्योंकि वो बेस का लोकेशन थोड़ा दूर है। सो अभी सबसे पहले ना मैंने जो वो लोकेशन देखी थी, वो लोकेशन इसी किसी एरिया में होनी चाहिए। मुझे उतना याद तो नहीं है, बट कोई नहीं यार, उसको अभी हम लोग जल्दी से ढूंढ निकालने वाले हैं यार। तो मज़ा तो आने वाला है। लेकिन मैं सोच रहा था ना गाइस, अगर हम लोगों को ऐसा कोई एरिया मिलता कि जिसमें मान लो कि ऐसा सी वाला व्यू मिलता, भाई साहब वो वाला बेस तो बहुत ही एपिक होता। लेकिन देख रहे हो यार, इन सब जगहों में ना स्पेस बहुत कम होता है। ये देख रहे हो, जैसे ये वाला लोकेशन है गाइस, ये बहुत प्यारा लोकेशन है। लाइक इधर देख रहे हो, अगर हम लोग एक टेबल वगैरह बना दे तो क्या मस्त वाली व्यू मिलेगी एंड क्या मस्ती पिकनिक वगैरह कर सकते हैं हम। लाइक ये वाला लोकेशन मुझे बहुत ही पसंद है। एंड ये देखो भाई, छोटू सा आते घूम रहा है, इसको पकड़ लो। गया रुक जाओ, एक को पकड़ लेते हैं। आ जाना चाहिए, बहुत ही छोटा सा है लेकिन प्यारा सा है। लेट्स गो, आ गया है कि बारी में हाथी मेरा साथी। आई गेस गाइस मुझे ना लगता है कि ये हाथी एवोल्व होके बाद में मैमोरस बनता है, लाइक पता नहीं है, बट ठीक है यार, गेस करने में क्या ही जा रहा है हम लोगों का। ये तुम्हें याद है ये फ्वाक? भाई इसको लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने पकड़ा था, इसको मैंने अभी तक निकाला नहीं है, निकाल के देख सकते हैं। वेलकम टू मार्श आइलैंड मेरे दोस्तों। ये देखो, इधर ही कहीं पे मैंने लोकेशन ढूंढा था। इधर नाइट विंग, इसका नाम है एक तीर, मान लो एक था टाइगर, इसका नाम है एक था टाइगर। सो ये भी क्यों है, इसको हम लोगों ने बहुत बार पकड़ा हुआ है। एंड इधर ही मैंने लोकेशन ढूंढा था। ये वो नहीं है, इधर तो मैं कभी नहीं आया हूँ भाई। ये कौन सी जगह है लो? ये जगह मेरे आंखों से बच कैसे भाई, लाइक लिटरली भाई मेरी इन कजराली नजरों से बच कैसे गई ये जगह। गाइस ये जगह अपने को अच्छी लग रही है, बहुत ही बड़ी भी है राइट। रुक जाओ, इसका ना एक टॉप व्यू निकालते हैं, बीकन को निकालते हैं। मतलब तू अंदर आ जा ब्रो। बीकन, चल ओए बीकन नीचे कहाँ जा रहा है भाई? ऊपर जाना है तेरे को, नीचे गिरा देना है मेरे को ये बीकन। जरा देखो इधर कितना बड़ा बेस बन सकता है भाई। इधर सी साइड भी है वे। सो अगर मैं सोच रहा हूँ मैं बेस कहाँ पे बनाऊँ भाई, इधर देख रहे हो ये जगह बहुत ही ज्यादा बड़ी है भाई, लेकिन इतनी ज्यादा खुल्लम खुल्ला भाई। इधर बेस होगा या फिर इधर तो पूरा शहर बस सकता है लिटरली, इतनी बड़ी जगह है भाई। सॉरी यार मुर्गी यार, मुझे माफ कर दे। ये जगह आई गेस ये वाली जगह मैं फाइनल रखने वाला हूँ। क्योंकि देखो इधर मुझे वो आइलैंड का व्यू मिल रहा है, ये भी है। एंड भाई साहब गाइस ये वाली जगह पक्के अपने बेस के लिए होने वाली है एंड बेस्ट होने वाली है। ये देखो भाई मैमोरेस्ट पे आता है इधर एंड क्या ही व्यू मिलता है गाइस। लाइक मुझे ये जगह बहुत ही ज्यादा पर्सनली पसंद आई है। आप लोगों को पसंद आया क्या? कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ यार। लेकिन मैं सोच रहा हूँ गाइस, सर अगर बेस बनाए ये जगह हम यूज कर सकते हैं, ठीक है? लाइक ये पूरी सी जगह यूज होगी, ये जगह यूज कर सकते हैं। इधर दो पत्थर है, हाँ इनका तो कोई इशू नहीं है वैसे, इन लोगों को तो बस हम तोड़ ही देंगे। एंड भाई साहब गाइस इधर ही हम अपना बेस बनाने वाले है। मैंने तो फाइनल कर लिया। एंड टीकन तो कहा जा रहा है? अरे पंगे नहीं, फ्री के पंगे नहीं। रुक जाओ, इसको मार ही देते है, ये फालतू का पंगा लेने आ जाएगा हमारे साथ। एनीवे सो मैं जो कह रहा था, इधर मैं बनाना लेकिन इसका सेंटर कहाँ पे रखूं मैं, क्योंकि ये जगह थोड़ी ऊंची नीची सी भी है राइट। पूरा ग्राउंड क्लियरेंस भी देख लेते हैं इधर का। ये सिंडिकेट ठग लोग क्या कर रहे हैं इधर, फालतू का पिटने आए क्या मेरे से? ये जगह बेस्ट होनी चाहिए। देखो मैं कंफ्यूज हूँ यार, ये जगह तो मुझे सही में लग रहा है इस गेम का ना बेस्ट लोकेशन है बेस बनाने के लिए। ये वाली लोकेशन में रखे हम बेस या फिर उस वाली लोकेशन पे? लाइक वो थोड़ा नीचे की तरफ है तो लाइक एक डाउन हिल जैसा आएगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ, एक सेकेंड, इन पेड़ों को काट सकते है क्या? हाँ हाँ, इन पेड़ों को भी काट सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ ना इस वाले पेड़ को काट दो एंड ये पत्थर को हटा दो तो एक मस्त पीस बनेगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें बिठाना है पैल बॉक्स। अबे यार लेकिन पैल बॉक्स कैसे बिठाऊं मैं इधर? एक पैल बॉक्स हमें तोड़ना पड़ेगा, यही दिखा रहा है ये। यार ये तोड़ दूंगा तो मैं क्या होगा? तो इधर दिखा रहा है सब कुछ तो गायब नहीं हो जाएगा लेकिन कुछ कुछ चीजें गायब हो जाएंगी, लेकिन हमें इधर तो जाना भी पड़ेगा। ठीक है कोई नहीं, हम इसको तोड़ देते हैं गाइस एंड हमारा पुराना बेस गया भाई। बट कोई नहीं यार, नया वाला तो बनने वाला है एंड ये वाला गाइस आई प्रॉमिस यू कि ये वाला बेस्ट ना बहुत ही क्रेजी बड़ा सा प्यारा सा बनाने वाले हैं हम लोग। तो इसके लिए कहाँ बनाऊं मैं? इसको सेंटर में बैठाते हैं जिससे कि ना हमें सबसे ज्यादा जगह मिल पाए। तो मैं सोच रहा हूँ इसको इधर बैठा देते हैं ऐसे करके। ओके जैसा कि देख रहे हो पार्टी में मैंने आनू भी इसको रखा है भाई। लिटरली एक सेकंड में काम कर दिया इस बंदे ने भाई साहब, काम में भी जुड़ चुका है आनू भी। तो अभी हमें क्या बनाना है? ठीक है सबसे पहले तो हमें चीजें रखने के लिए एक चेस्ट चाहिए। तो मेरे पास वुड भी नहीं है, इंगट भी नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले हम लोग अपने इस बेस पे चले जाते हैं, इधर से हम लोग ना सामान लेके आएंगे एंड रखेंगे। बट मुझे देखना है मेरे बेस से सब गायब हो गया क्या? अभी मेरे पैल्स नहीं है तो देखो भाई ये जगह खाली हो गई कैसे। कई समय ये सब कुछ लेके जाना पड़ेगा। बट उससे पहले मैंने इधर इंगट रखा था किसी एक चेस्ट में, मुझे याद है। इसमें नहीं रखा था क्या मैंने? ना इसमें नहीं है यार। किस वाले चेस्ट में रखा था मैंने अब? अरे भाई साहब इधर भी नहीं है। इधर इधर है 101 भाई, बैग फुल हो गया। हमें कुछ तो इधर ड्रॉप करना पड़ेगा। ये अंडा रख देता है क्या? हाँ थोड़ी स्पेस मिल चुकी है। इन इंगट्स को लेके ना हम लोग चलते हैं अपने नए वाले बेस में। एंड ये क्या उठा लिया मैंने फिर से? स्टोन एंड पैलेडियम फ्रैगमेंट। उनको ड्रॉप करते हैं। पैलेडियम फ्रैगमेंट्स का है, इसको भी ड्रॉप करते हैं। ये सब हमें नहीं चाहिए। राइट। So, अभी हमें सबसे पहले क्या बनाना है? हमें बनाना है अपने लिए फाउंडेशंस। एंड मैं सोच रहा हूँ हम लोग लकड़ी का बनाएं या फिर स्टोन का। देखो स्टोन वाला ज्यादा ही स्ट्रांग होने वाला है। सो कंजूसी नहीं करते यार, स्टोन वाला ही बनाते हैं हम लोग। एंड आई गेस मैं बेस बनाना चाहता हूँ कहाँ? मुझे चाहिए ये परफेक्ट वाली व्यू। मैं सोच रहा हूँ ना इधर से बनाते हैं। लाइक देखो ये ऐसे टाइप का हो जाएगा एंड अगर फाउंडेशन बिठा दो तुम लोग फिर लाइक हम जैसी मर्जी जहाँ मर्जी इस फाउंडेशन के ऊपर बेस बना सकते हैं। सो अभी सबसे पहले ना जल्दी से हम लोग बना लेते हैं। एंड आई साहब ये तो दिखने में अभी से बहुत ज्यादा बढ़िया करिए बे। सोच रहा हूँ फाउंडेशन को और थोड़ा आगे करेगा क्योंकि इधर अगर हम लोग करे तो ये टूट जाएगा। सो मैं सोच रहा हूँ पहले ना सबसे पहले फाउंडेशन दे देते हैं हम लोग। ऑलराइट गाइस, सो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो हम लोगों ने दे दिया अभी फाउंडेशन कंप्लीट करके। लेकिन 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 इसके साथ साथ मुझे याद आया तो जाना था टेक्नो गेमर्स के बेस में भी। राइट। तो पहले ना एक बार टेक्नो भाई के बेस पे भी चलते हैं हम लोग। हम देखते हैं यार कि उधर क्या सीन हो के रखता है। यही वाला है टेक्नो गेमर्स वाला। भाई साहब टेक्नो भाई ने इधर ये भी बना के रखा है क्या? ओ भाई ये तो सो रखा है। लेकिन ये क्या है? एक सेकेंड, इनके ज्यादातर पोकेमॉन्स हंगरी क्यों है? टेक्नो भाई ने इनको खाना वाना नहीं दिया है क्या ठीक से? अच्छा वो बहुत दिन से वीडियोस नहीं डाल रहे तभी तो। यार देख रहे हो इधर फसल बसल उग चुकी है बट टेक्नो भाई आ नहीं पा रहे। शायद वो किसी काम से बिजी है। नहीं है दुखी हो चुका है भाई, ये बहुत ज्यादा भूख लगी है। एंड मुसांडा लव्स टेक्नो गेमर्स का सबसे ज्यादा फेवरेट वाला पोकेमॉन है। कोई नहीं गाइस, हम टेक्नो गेमर्स के पोकेमॉन्स को अभी खाना भरपूर देने वाला है। एंड ये रहा फीड बॉक्स। सो वो मेरे पास बस 173 है यार। अगर मैं पूरा दे दूंगा तो मेरे पास ही खाना नहीं बचेगा। कोई नहीं गाइस, ये टेक्नो भाई के लिए सो हम दे देंगे यार। हमारे पोकेमॉन्स के लिए भी अभी हमें खाने का जुगाड़ करना पड़ेगा। देख रहे हो भाई पूरे आंखें बैठ चुके हैं, ये कितना खुश हो चुका है भाई। लेट्स गो, सारे लोग खाने के लिए आ रहे हैं। बाकी कहा गया टेक्नो गेमर्स के बाकी सारे पोकेमॉन? शायद पैल बॉक्स में चले गए। सांडा लक्स उठ जा भाई, तू भी खा ले, तेरे लिए भी खाना है यार। बहुत सारा खाना दिया है मैंने। एक सेकंड गाइस, लेकिन ये लोग खाना बना क्यों नहीं पा रहे? रुक जाओ, हम ना थोड़ा इधर हार्वेस्ट कर देते हैं। तो भाई साहब मुसांडा भी उठ चुका है। इसको देख रहे हो जो भूख लगी थी भाई साहब। अभी ये लोग खा के बहुत ज्यादा खुश हो जाने वाले हैं। देख रहे हो यार अभी से कितने ज्यादा खुश हो चुके हैं ये लोग। एंड एक सेकंड गाइस, मैंने अभी भी एक चीज नोटिस किया, ये देख रहे हो फ्रैक्चर फ्रैक्चर एंड अल्सर। ओके गाइस, सो टेक्नो भाई इधर इतने दिन से नहीं आया है तो मुझे क्या लगता है पता है कि उनके बेस में किसी ने तो रेड किया था गाइस। सो इन पोकेमॉन्स को उन्होंने मारा है। सो फ्रैक्चर हो गया है भाई बेचारों को। रुक जाओ, हमें ना कुछ करना पड़ेगा गाइस। ये खेती बाड़ी कौन करेगा? रुक जाओ, ये बस हम प्लांटेशन कर देते हैं जिससे कि ये लोग अपने लिए खाना बना पाए। ऑलराइट गाइस, प्लांटेशन तो हो चुकी है। वाटर भी देना है क्या इधर? अच्छा वो तो ये टेक्नो गेमर्स का पोकेमॉन ही दे देगा। इनका खाना है तो भाई साहब ये लोग क्या ही स्पीड में खा रहे हैं। चलो कोई नहीं यार, इन लोगों को भी चोटें लगी है। सो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? रुक जाओ मैं ढूंढता हूँ। अगर मुझे इनकी चोटें ठीक करनी है सो मुझे लगता है मुझे चाहिए एक मेडिकल बेंच, राइट। कि ये रही बेंच, लेकिन हमारे पास नेल नहीं है एंड पैरेडियम फ्रैगमेंट्स भी नहीं है यार। काश कि हम टेक्नो गेमर्स के बेस से उनके रिसोर्सेस यूज कर पाते, बट ठीक है यार, कोई नहीं, हम अपने बेस से लेके आएंगे भाई के लिए चीजें। तो अपना बेस कहाँ गया नया वाला, ये रहा। ओके सो इधर भी मुझे सबसे पहले ना सामान की जरूरत है। गाइस रुक जाओ, हम ना इधर सबसे पहले प्रोडक्शन कर लेते हैं तो टेक्नो गेमर्स के बेस में जाके, जिससे हम डायरेक्टली उनके पोकेमॉन्स को दवाई वगैरह दे पाए। लेकिन मैं सोच रहा हूँ बनाओ कहाँ पे, रुक जाओ। सबसे पहले ना ये ईयर बहुत ज्यादा एनोइंग है, इसको काट लेते हैं हम लोग। ऑलराइट सो इधर हमें स्पेस मिल चुका है, राइट। तो इधर ना हम लोग फिर से थोड़े ये फाउंडेशंस बना देते हैं एंड इधर ही बनाना पड़ेगा हमें। एक सेकंड रुक जाओ, अरे ये कैसा बन गया भाई, एक सेकंड इसको तोड़ते हैं। ऑलराइट इधर तक तो ये सही लग रहा है मुझे। एंड मैं सोच रहा हूँ ये बेंच कहाँ पे बैठाओ, बेंच कहाँ पे बैठाओ, क्योंकि उनके पोकेमॉन्स को दवाई देना है यार। तो मैं सोच रहा हूँ अपना बेस तो बना ही रहे हम लोग, उसी के साथ साथ देखो हमारे पास भी नेल नहीं है। नेल प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, मैं खुद ही भूल गया। ऑलराइट सो नेल प्रोडक्शन के लिए हमें चाहिए फर्नेस, बट हमारे पास फ्लेम ऑर्गेन्स भी नहीं है यार। मैं सोच रहा हूँ ना अपने दूसरे बेस में वो सब कुछ ऑलरेडी बना हुआ है, सो उधर चल के ना हम लोग ले लेते हैं। सो अभी मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले इस बेंच से बना सकता है कि नेल बना सकते हैं, लेकिन यार इंगट नहीं है हमारे पास भाई साहब। फायर टाइप पोकेमॉन ब्लेज आउला है, इंगट बनाने के लिए ओर्स भी नहीं है यार। सो गाइस मुझे ना थोड़े ओर्स वगैरह भी चाहिए। सो उधर सामने देख रहे हो मुझे ओर्स दिख रहा है, तो इधर से ना हम लोग ले लेते हैं जल्दी से। एंड मेरे पास पिकैक्स का आ गया, ये रहा। राइट सो हमें टोटल में थोड़े ही मिले हैं, मतलब 12 ही और मिले हैं, इससे ज्यादा तो है नहीं इधर। कोई नहीं यार, इससे ही हमें पहले बना लेना पड़ेगा नील्स का। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इसके लिए इंगट चाहिए, जिसने भी आप में से गेस किया एकदम सही किया। एंड मुझे इसके लिए चाहिए फायर टाइप पोकेमॉन। टॉर्च क्यों चला रहा है भाई तू सुबह के टाइम पे, ये करना आइए करियो। अबे कहाँ जा रहा है ब्लेज़ाउल, हाँ सही है बना रहा है गाइस, बना रहा है। पर ये भी लेकिन बहुत ज्यादा स्पीड में बनाता है भाई साहब। लेट्स गो, हमारा अभी इनगट्स रेडी होने वाला है। एंड चलो भाई हमारे इनगट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं गाइस। अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, नील बनाना है। सो उसके लिए ये रही नील, एंड आई गेस हमें 5 चाहिए थी। ओके सो हम लोग 6 बना लेंगे। अनुबीस को देते हैं, अनुबीस बहुत ज्यादा जल्दी बना देगा। बना ले भाई अनुबीस, लेट्स गो कंप्लीट भाई। लिटरली एक ही झटके में ये बंदा सब कुछ कंप्लीट कर देता है। सो गाइस अभी बस हम लोग को जाना है टेक्नो गेमर्स के बेस में एंड उनको दवाई देना है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ ना टेक्नो गेमर्स के बेस में जाने से पहले हम ना अपने बेस में चलते हैं, उधर हम लोग मेडिकल बेंच बना लेते हैं, ठीक है। अभी के लिए दवाई बनाने के लिए भाई इसको बना लेते हैं। एंड कहाँ बनाओ, ये पेड़ के कोने में बनाते हैं इसको। अनुबिस बनाइए जरा, थैंक यू मेरा भाई। एंड सो उनके लिए हमें कौन सी वाली दवाई लेनी चाहिए, इस पे क्या होता है फॉर कोल्ड एंड स्प्रेन, ये नहीं। ये क्या होता है, मैं ज्यादा हिंदू नहीं, ये भी नहीं है यार। अल्सर एंड फ्रैक्चर के लिए यही है। ऑलराइट सो फाइनली मैंने ये तो बना लिया है, बट मैं सोच रहा हूँ ये किस काम में आता है, इंश्योरेंस के लिए, लाइक वीकेंड एंड डिप्रेस, बट इसका तो हमें कोई जरूरत नहीं है गाइस। तो अभी के लिए मैंने 4 तो बना लिए है। सो जल्दी से ना हम लोग टेक्नो गेमर्स के बेस पे चलते हैं, क्योंकि भाई उनके पोकेमॉन्स की ना सही में हाल खराब है, उनको जल्दी से जल्दी हमें ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा। सो अभी किस किस का हाल खराब था, आई गेस मुसांडा लक्स का था। देख रहे हो भाई आंखें कैसी दुखी हुई है भाई। रुक जाओ, इसको हम लोग देंगे सबसे पहले ये वाली दवाई। तो ये खुश होता है क्या, लेट्स गो भाई, ये तो बड़ा खुश हो गया, अब सही लग रहा है मुसांडा। अब लेकिन मुसांडा से याद आया नॉर्मल वाला कहाँ है, ये रहा भाई साहब। ये तो ऐसे ना आगे मजे ले रहा है, कोई फ्रैक्चर है जैसा कि तुम लोग देख सकते हैं। तो ना क्यों रहा है, मुझे दवाई लगानी है भाई तेरे को। मुझे लगता है ना ये दवाई से बहुत ज्यादा डरता है, इसीलिए जानबूझ के घुस गया। देखो यार लेकिन कितना असुम सा चेहरा बना रहा है। कोई नहीं यार, इसका थोड़ी देर बाद देते हैं। और एक है ये नीला रंग का पोकेमॉन। रुक जा, तो इतना मेहनत क्यों कर रहा है भाई, पहले तू ये ले, तू भी दवाई खा ले मेरे दोस्त। ये भी ठीक हो चुका है ना भाई सब। कितना क्यूट है यार टेक्नो गेमर्स वाला ये पोकेमॉन। लाइक दिखने में जितना खतरनाक है ना, छोटा सा है लेकिन बहुत प्यारा सा है यार। ऐसा हमें भी अपने लिए ना एक पकड़ना पड़ेगा, ये वाला मेरे पास नहीं है यार। बट उसी के साथ साथ यार मुसांडा, ये देखो भाई दोनों मिल के मजदूरी कर रहे हैं। रुक जा यार, तेरे को दवाई देनी है मेरे को, ये रही, ठीक हो जा। चलो गाइस फाइनली हमने सब लोगों को दवाई दे दिया, सब लोग खुश हो चुके हैं, सब लोग ठीक हो चुके हैं। एंड ये लोग अभी बिल्कुल अच्छे खासे हाल में आ चुके हैं। अभी मैं सोच रहा हूँ ना टेक्नो गेमर्स के बेस में ज्यादा पोकेमॉन्स है नहीं, क्योंकि बेस में रेड हुई थी एंड शायद ज्यादा छोटे मोटे जो लाइक पोकेमॉन्स है वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाए यार। लेकिन 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 मुसांडा लक्स इन सब लोगों ने सही से संभाल लिया। सो गाइस मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, आज हम देने जा रहे हैं टेक्नो गेमर्स को एक गिफ्ट, बट वो गिफ्ट मैं अभी नहीं देने वाला हूँ, थोड़ी देर बाद देंगे। इससे पहले अभी हमें अपना भी बेस देखना है यार, क्योंकि लिटरली देख रहे हो मैंने बस ऐसा फ्लोर बना के रख दिया है। लेकिन अभी हमें करना है इधर अपना बेस। तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ गाइस, इतना सा एरिया में तो हमारा कुछ नहीं होने वाला है। सो मैं सोच रहा हूँ ना पूरे इधर तक का स्टोन फाउंडेशन देता है। उसके लिए ना मुझे ये हटानी पड़ेगी सबसे पहले। ऑलराइट, ये सब तो मैंने हटा दिया है एंड बस अभी हमें बाकी का एरिया ना स्टोन फाउंडेशन से कवर करना है। एंड यार इधर तो मैं अपना बेंच ही तोड़ना पड़ेगा। कोई नहीं यार, ये भी बाद में बना लेंगे। एंड ये पेड़ यार डिस्टर्ब कर रहा है, इसको काट दूंगा। रुक जाओ, इसको काट देते हैं हम लोग। तो इस पेड़ को भी हम लोगों ने काट दिया एंड बाकी के एरिया को भी ना कवर कर देते हैं स्टोन फाउंडेशन से हम लोग। इधर यार ये पैल बॉक्स की वजह से हम ये बना नहीं पा रहे क्या यार? इसको अभी कैसे करें? तोड़ दिया मैंने इसको। ये चेस्ट को भी तोड़ना पड़ेगा। एंड भाई साहब चीजें देख रहे हो। रुक जाओ, इस वाले चेस्ट को मैं इधर बना देता हूँ। हाँ, इधर बन जाएगी आनुबी स्टार। आनुबी चाहिए जल्दी। अभी ना गाइस हमें इस बेस पे पोकेमॉन्स असाइन करने पड़ेंगे, जिससे की वो लोग भी हमारे हेल्प करें एंड ये बेस जल्द से जल्द बन जाए। भाई साहब मेरा पूरा बैग फुल हो चुका है। मैं ऊपर कैसे जाऊँ यार? ऊपर आके गाइस भाई, लेकिन आनुबी भी स्लो में चल रहा है, मैं भी स्लो मोशन में चल रहा हूँ। ये क्या हो रहा है यार? गाइस फाइनली पूरे 10 साल बीत चुके हैं, मैं बुढ़ा हो चुका हूँ। देख रहे हो भाई कितना स्लोली चल के आया हूँ मैं उधर से। बट अभी फाइनली फिर से बैग हल्का होने वाला है। भाई सारी चीजें रखो चेस्ट में, मुझे कुछ भी नहीं रखना है भाई। इतनी सारी चीजें, दवाई वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए गाइस हमें। सारी चीजें चेस्ट के अंदर डाल देते हैं। ज्यादा नहीं भरूंगा मैं, फिर काम वाली चीजें बाद में नहीं रख पाएंगे हम लोग। हेलो, मेरे पास फोन कैसे खत्म हो गया? फोन तो बहुत सारा था मेरे पास। फोन खत्म हो गया क्या इतना सारा फाउंडेशन बनाने में? मुझे लगता है हमें ना थोड़ा सा स्टोन का भी जुगाड़ कर लेना चाहिए। बट मेरे बैग में स्टोन होना चाहिए, राइट? 3 ही स्टोन पड़े हुए हैं यार। हमें बहुत सारी स्टोन्स चाहिए होने वाली है गाइस, क्योंकि ये जगह ना वरना खाली नहीं छोड़ सकता ऐसे ही हम लोग। सो स्टोन कहाँ मिलेगी? ये रही स्टोन। बट उससे पहले ना गाइस मैं सोच रहा हूँ अपने पोकेमॉन्स को बुला लेते हैं। ओ गाइस मुझे अभी याद आया, मैंने अपने पैल बॉक्स को बिठाया नहीं एंड वुड भी खत्म। वुड कहाँ है भाई? चेस्ट के अंदर वुड तो होनी चाहिए। हाँ वुड भी है, ये दिखा क्यों नहीं रहा? अजीब है। चलो कोई नहीं, थोड़ी वुड काट लेते हैं। शायद पैल बॉक्स नहीं है ना, इसीलिए वो चेस्ट भी काम नहीं कर रहा है यार। रुक जाओ, थोड़ी सी स्टोन, ज्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा सा ही ले लेते हैं अभी के लिए हम लोग। थोड़ा सा वुड काट लेते हैं अपने साथ। ओके, अभी अगर पैल बॉक्स बनाने जाओ सारी चीजें हमारे पास है एंड अभी इसको हम लोग बना सकते हैं। लेकिन एक सेकंड, मुझे सबसे पहले इस जगह को कवर करना है, क्योंकि मैं इधर ही पैल बॉक्स को डालने वाला हूँ, राइट? तो अगर एक फाउंडेशन बन जाए एंड मुझे अभी बनाना है इसमें पैल बॉक्स एंड ये आग में नहीं रहा है। ओके, ये थोड़ा सा ऊपर आएगा बट सही है। चलो अब भी अपना काम बहुत ज्यादा स्पीड से होने वाला है गाइस। स्टोन फाउंडेशन अभी, अरे इधर लग क्यों नहीं रही है? अभी इधर लग क्यों नहीं रही है? दिक्कत क्या है इतने से जगह में भाई? अबे मैंने फिर से पैल बॉक्स तोड़ दिया। हद तो होती है भाई। रुक जाओ यार, तो थोड़ा सा इस साइड में बनाओ। ऑलराइट, सो फाइनली भाई बहुत ही मुश्किलों के बाद हम लोगों ने बना लिया है अपना पैल बॉक्स। लेट्स गो, अब ये दिखने में अच्छा लगने वाला है गाइस। ऑलराइट गाइस, सो अभी ना हमें सबसे पहले पोकेमॉन्स को बुला लेना चाहिए, राइट? एंड लैम्बल को नहीं बुलाते हैं, लैम्बल बहुत ही बच्चा है यार। अच्छा खासा पोकेमॉन जो हमारे लिए हेल्प कर सकती है। किटसन कर सकती है क्या? किटसन भी बढ़िया है, इसको थोड़ी देर में रखेंगे। सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ इसको रखते हैं, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। पूशी भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। एस्टेगॉन को रखते हैं माइनिंग के लिए, ये कूलिंग वगैरह के लिए एंड फायर देने के लिए। तो जॉर्मोन्टाइट इग्निस बहुत प्यारा है, इससे ऊपर हमें कुछ नहीं चाहिए। वाटरिंग के लिए जॉर्मोन्टाइट को रख देते हैं, बट वाटरिंग के लिए अभी इसको नहीं रखते क्योंकि वाटरिंग वाले ना टास्क नहीं है अभी। सबसे पहले ना हमें चीजें इकट्ठा करनी है। सो हैंडी वर्क वाले एल्स को रखना है मुझे। इसको रख दिया मैंने। और किसको रखूं? तू करता है क्या? रैग्नारॉक भी करने वाला है गाइस हमारी मदद। एंड तू लैम्बल, देख रहे हो लेवल 1 की है इसकी, तो मैं इसको रखने का नहीं सोच रहा हूँ गाइस। इसको रखते हैं पेनकिंग, ये बेस में बहुत ज्यादा काम में आता है। तो हमारे लिए वुड काटेगा, राइट? पेंगलब क्या करता है? सेम वुड काटेगा। सो अभी के लिए ना इन्हीं कुछ पैल्स को रखने का मैंने सोचा है। ऑलराइट गाइस, बाय द वे मैंने तुम लोगों को इससे नहीं मिलाया ना, इसका नाम है विक्सन। जैसा कि देख सकते हो ये लेवल 1 का पोकेमॉन है एंड ये भाई कैट्रेस की बड़ी बहन लगती है मेरे को। नहीं, मैं इधर ले जाके दिखाता हूँ। साइड बाय साइड देखो, दोनों तो बहन नहीं लग रहे क्या? बस इसके टोपी में आग जल रही है। ये वाली पोकेमॉन मेरे को मिली थी एक अंडे से, लाइक ये दिखने में बहुत ही क्यूट सी लगती है यार, बहुत अच्छी लगती है मेरे को ये। बट ठीक है गाइस, इसके साथ साथ अभी हमें अपना काम शुरू करना है। लेकिन ये लोग माइनिंग वाइनिंग कुछ नहीं कर रहे भाई, बेस में ऐसे ही घूम रहे हैं। ऐसा क्यों? मैं सोच रहा हूँ अभी के लिए हमें क्या चाहिए, हमें थोड़ा सा चाहिए। मैं सोच रहा हूँ गाइस इसको ना खुल्लम खुल्ला रखते हैं कि मुझे ना ऐसे ही व्यूज बहुत ज्यादा पसंद है। और इस वाली बेस को ना ऊपर वाले फ्लोर में ले जाता है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? बेसिकली हमें चाहिए होगा ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ, तो हमें सीढ़ियाँ बनानी है। एंड मैं सोच रहा हूँ ना सीढ़ियों के लिए हम लोग वुडन स्टेयर्स का यूज कर लेते हैं, क्योंकि बस अगर स्टोन करेंगे कर सकते हैं, वैसे स्टोन में भी कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड रुक जाओ, लेकिन स्टोन हमारे पास है नहीं यार, इतनी दिक्कत तो ये है। दिखने में भी वुड अच्छा लगने वाला है। एंड इसको इधर से कर लेते हैं क्या? इधर से करता हूँ, एक सेकंड। कहाँ से बैठा हूँ यार इसको? यार मैं सोच रहा हूँ इधर से हम लोग स्टेयर्स बना सकते हैं, लेकिन ओए भाई हम लोग तो आसमान में पहुंच जाने वाले हैं इधर। ओके ओके गाइस, मेरे दिमाग में खतरनाक आइडिया आ चुका है, रुक जाओ मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ। सो बेसिकली देख रहा हूँ हम लोग इतना ऊपर भी चढ़ सकते हैं, ठीक है। सो मैं सोच रहा हूँ ना अपने फ्लोर्स को क्यों ना यूनिक किया जाए गाइस, मैं जो देखने की कोशिश कर रहा हूँ। सो बेसिकली हाइट कितनी होनी चाहिए? 3 फ्लोर तक तो सही है, 3 4 5, 5वें फ्लोर तक बढ़िया लग रहा है ये। सो 1 2 3 4 5, ये रहा 5वां फ्लोर। एंड अगर मैं इसको तोड़ू, एक सेकेंड, नहीं मैं खुद भी गिर गया, सब टूट गया भाई, सब खत्म, भगवान सारी चीजें टूट गई गाइस। एंड देख रहे हो लो मोशन में गिर रहा है भाई सब कुछ, लेकिन ये लोग हमारे लिए कनेक्ट कर देंगे, सो हमें उतना कोई टेंशन लेने का जरूरत है नहीं गाइस। बट मैं जो सोच रहा था वो वाला ना अभी हम लोग बना के देखते, क्योंकि वो अगर बन गया ना, सो बेस जो क्रेजी बनने वाला है ना गाइस, तुम खुद देख के पागल हो जाओगे यार। सो मैं सोच रहा हूँ इधर एक दूंगा मैं वुडन फाउंडेशन। फाउंडेशन नहीं हो रही है क्या? हाँ, रूफ हो सकती है इधर। सो अगर मैंने रूफ दे दी, एंड रूफ और भी दे दे हम लोग ऐसे। एक सेकंड, अरे आ जाना। ओ भाई साहब, अब देखना तुम लोग क्या दिखाने वाला हूँ मैं। तुम लोग रेडी हो जाओ यार देखने के लिए, क्या ही कमाल की चीज दिखाने वाला है तुम्हारा भाई तुम्हें आज। ऑलराइट गाइस, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो ये मैंने बना दिया। एंड मैं तुमको इसका ना लुक देता हूँ, ये देखो भाई, ये मैं गिर गया, लेकिन ये देख सकते हो यार क्या ही सही लग रहा है। लेकिन अभी अंधेरा हो चुका है, मेरे दिमाग से एक बात निकल ही गई भाई, मैंने तो इनके सोने के लिए कोई जगह ही नहीं की भाई, बेचारे ऐसे ही सो गए यार। गाइस रुक जाओ, इनके लिए ना बेड बना देते, क्यों रात का टाइम हो चुका है। सो मैं ना सबके लिए एक एक बेड तो बना ही देता हूँ। आनो बीच सन, मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी क्या? सब लोग सो गए भाई, तो बेड्स को ना इधर रखते है गाइस। अनुबिस आइयो बाहर, ये हमारी मदद कर सकता है गाइस। एंड मुझे भी भूख लगी है, लेकिन खाना नहीं है यार। जो सारे बेड्स इधर बनाएंगे हम लोग, इसको कैंसिल करता है। एंड मैं सोच रहा हूँ ना सीधा सीधा बनाता है, लाइक पूरा सीधा सीधा बेस बनाते हैं हम लोग, लाइक ऐसा वाला। देखो इधर ये लोग रेस्ट कर सकते हैं। टोटल में मुझे 11 बेड्स बनानी पड़ेंगे फिलहाल के लिए तो। 2 एंड हमारा लास्ट वाला बेड, लेट्स गो भाई, हमारे टोटल बेड्स रेडी हो चुके हैं। लेकिन ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, रुक जाओ इस वाले बेड को हटाते हैं, इसको भी ना उधर देते हैं, लाइक सारे पैल्स ना लाइन में फिर सो सकते हैं। एक सेकेंड, ये रहा। बट मेरे पास तो अभी 15 पैल्स रखने की जगह है, सो मैं सोच रहा हूँ ना सबके लिए एक ही बारे में बेस बात। तू क्या कर रहा है भाई? हट जाना, मुझे बिस्तर बनाना है यार, तुम लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, तुम लोग डिस्टर्ब कर रहे हो यार। ऑलराइट गाइस, सो जैसा की देख सकते हो हम लोगों ने बेड्स तो बनाते, लेकिन काउंट कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके, एक बेड ज्यादा बना है, कोई दिक्कत नहीं। बट ये दोनों बेड्स कंप्लीट नहीं किए यार। आनुविस कर दे भाई, कहाँ जा रहा है? ये वाला बेड नहीं बनाना क्या तेरे को? इस पे तू ही सो जाइयो, चला जा भाई। ये पता नहीं क्यों कर नहीं रहा है, बट अभी के लिए सारे बेड्स तो रेडी हो चुके हैं। एंड मैं सोच रहा हूँ हम लोग कहाँ पे सोए यार, हमें भी तो सोने के लिए जगह चाहिए राइट। मेरे लिए तो बेड बनाया नहीं है, मेरे को भूख लगी है, खाना नहीं है गाइस। सबसे पहले ना हम लोग अपने पुराने वाले बेस पे चलते हैं, देखते हैं यार उधर कुछ खाना पड़ा होना चाहिए। एंड इधर से हमें निकालना है खाना। सो आई गेस इसके अंदर खाना होना चाहिए बहुत सारा। भाई साहब बैग फुल हो गया भाई, इसको ना अभी हम लोगों को ले जाके उस वाले बेस में रखना है। सो जल्दी से ना उस वाले बेस पे चलते हैं। ऑलराइट गाइस, इधर तो मैं आ चुका हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ खाना कहाँ पे रखूँ यार। सब लोगों को भूख लगी है, देखो हंगरी हो चुके हैं ये लोग। भाई साहब सब लोगों को बहुत भूख लगी है, रुक जाओ यार दे रहा हूँ मैं खाना तुम लोगों को। सॉरी यार, गुस्सा मत होना मेरे पे, बट भाई मैं फिर से स्लो मोशन में चल रहा हूँ। रुक जाओ गाइस, मैं तुम लोगों से मिलता हूँ फिर से 10 साल बाद। राइट सो गाइस 20 साल बीत चुके हैं, मैं पूरा बुढ़ा बन चुका हूँ, बट मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ यार। जस्ट मस्ती कर रहा था यार। इधर हम लोग ना सबसे पहले इनके खाने के लिए बना देते हैं। एंड खाने के लिए फीड बॉक्स का है, हेलो भाई इन लोगों को खाना बना देना है। फीड बॉक्स, स्टोरेज, फूड। तो इधर मैं सोच रहा हूँ फूड के लिए रख देते हैं, सब लोग इधर से ही खा लेंगे आके। ये जल्दी से बना के रख देता ना, क्योंकि सब लोग को भयानक वाली भूख लगी है भाई। पूरे खाने में इधर दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैं ले लू क्या? 2000 भाई इतना नहीं लूंगा, मेरे पोकेमॉन्स भूखे मर जाएंगे। 600 इतना चलता है यार। थोड़ा सा खाना रखना है क्योंकि अपने पार्टी वालों को भी मुझे खिलाना है, तो सबको खिला देता है। एंड चलो ठीक है, अभी सब लोगों का पेट भर चुका है, सब लोग अपने काम पर रिटर्न आ रहे हैं। एंड सुबह भी हो चुकी है, सूरज अभी उगने वाला है, सुबह के अभी 4 बज रहे गाइस। लेकिन तुम लोग देख रहे हो यार, इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। प्लीज यार, जिसने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया ना, मेक श्योर आप लोग सब्सक्राइब करो यार। देख रहे हो भाई, बंदा रात हर काम कर रहा है। इधर वाला ना काम हम लोग फिर से कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि इधर वाला ना मुझे लगा था हो गया, लेकिन थोड़ा इनकम्प्लीट सा लग रहा है ये, तो इसको ना कंप्लीट कर देते हैं। एंड सो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ इनको इधर बिठाने का। ओए गिर गया गाइस। लेकिन मेरे बेस में अगर तुम लोग कभी घूमने के लिए आओ तो फुल वेलकम है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से बिना पैराशूट के मत आना भाई, गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा है। हाँ ठीक है, उसको ही फिक्स करने के लिए हम ना वॉल्स वगैरह बना देंगे, ऐसे खुल्लम खुल्ला तो नहीं रखेंगे। ऑलराइट गाइस, सो कंप्लीट होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। लाइक नीचे का भी तुम लोग देख सकते हो इधर से। एंड मैं सोच रहा हूँ इसको एक स्टेप पीछे रखते हैं, लाइक फुल्ली सेम टू सेम नहीं करेंगे। ओके, ये वाला हम लोगों ने बना दिया। इसके साथ साथ हमें चाहिए एक लॉगिंग साइट। लाइक इससे बेसिकली होता क्या है कि वुड की भी हम लोगों को कभी कमी नहीं होने वाली है। सो ये भी जल्दी से बना लेते हैं। ये देख सकते हो भाई, एस्टमॉन लग चुका है, बट एक सेकंड, ये दिखने में थोड़ा गंदा लगता है, इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं, देख के बनाएंगे यार इस बार। हाँ इधर बनाते हैं, अभी ये परफेक्टली बैठ चुका है। अरे बस इसको जल्दी से बना देगा गाइस। तब तक हम लोग इधर एक लॉगिंग साइड बनाते हैं। बस परफेक्टली बैठ गया। मतलब इसको भी कंप्लीट करियो। ऑलराइट, सो इधर तो मैं कुछ टेबल्स बना रहा हूँ फिलहाल के लिए। जैसे कि देख सकते हो, मैंने सोचा कि जैसे कि अभी हम लोग टेक्नो गेमर्स के बीच में आ सकते हैं, इसका मतलब टेक्नो भाई भी हमारे बीच में आ सकते हैं। तो उसके लिए यार उनका ग्रैंड वेलकम, या फिर लाइक बड़े बड़े जो भी यूट्यूबर्स बाद में हमारे बीच में आएंगे, मैं ऐसा ना होना कि वो लोग आए और हम उनको चाय पानी भी ना पूछ पाए। तो इसीलिए ना ये सब कुछ मैं बना रहा हूँ, जिससे कि वो लोग आके रेस्ट कर पाए, थोड़ा पार्टी वार्टी कर सकते हैं हम सब लोगों के साथ। इधर इधर एक एंड इधर एक, थोड़ा ज्यादा साइड में बन गया, एक सेकंड को। ओके सो ये कुछ बेंच हम लोगों ने बना लिया है, और थोड़ा बहुत तो हम लोगों ने सेटअप कर दिया। एंड मैं सोच रहा हूँ इधर मैं देता हूँ, देखो लोग और भी चीजें चाहिए होंगी, तो इसके लिए ना इधर काउंट बिठा देते हैं क्या। एंड जैसा कि देख सकते हो, इधर मैंने टोटल में 2 काउंटर्स बना दिए। इसको भी हम लोग बिल्ड कर लेते हैं जल्दी से। तो काउंटर्स भी हमारे बन चुके हैं, लेकिन इधर जो काम करेंगे उन लोगों के लिए भी हमें देना है टूल्स। तो उनके लिए ना ये बड़े वाले टूल्स दे दिए मैंने। सेम इधर भी कर लेता है। इधर ना हम लोग ये बेसिन्स भी बना लेते हैं, क्योंकि खाने पीने के बाद सबका हाथ धोने का भी होगा। एंड आई कैसे मस्त दिखने वाला है। ओके, किस साइड में? अबे ये फिर से उल्टा बन गया यार। तो इसको हम लोग करने वाले हैं ऐसे करके बनाना है, राइट। तो ऐसे करके हाथ धोने की जगह इधर एक देते हैं, एंड ऑपोजिट सेम साइड में भी ना ऐसा एक डाल देते हैं। रुक जाओ, राइट। सो हमने 2 बेसिन्स भी डाल दिए इधर। यार देखो ना, हम लोगों ने इतना सब कुछ बना लिया, लेकिन रात होते ही मुझे याद आया हम लोगों ने तो अपने लिए बेडरूम भी नहीं बनाया भाई। सो मैं सोच रहा हूँ ना बेडरूम हम लोग इधर से और एक ऊपर के लिए फ्लोर बना लेते हैं। एंड इधर से बनाओगे, कहाँ गया भाई? सो जल्दी से ना हम लोग स्टेयर्स बना लेते हैं गाइस। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, मैंने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया। इधर मैं अपना बेडरूम बना रहा हूँ, बट मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाने वाला हूँ। बट उससे पहले एक सेकंड, मैं सोच रहा हूँ अपना बेडरूम थोड़ा खाली खाली सा नहीं लग रहा है। देखो मैं तुम लोगों को ये टूर देता हूँ। ये मैंने बनाया वॉशरूम, ठीक है। नहीं, इधर तुम्हें पता है कि क्या करना है, सो मैं नहीं बोलने वाला है। नहीं तो टेंशन मत लो, अंधेरे से जिसको डर लगता है गाइस, मैंने लाइट का भी हर कुछ करके रखा है। एंड ये है हमारा ओपन एयर डाइनिंग सेट। लाइक जब मुझे मन होगा कि दोस्तों के साथ, लाइक आप लोगों के साथ मैं इधर आऊं, लंच या डिनर कुछ भी करने के लिए हम लोग आके इधर बैठ सकते हैं। ये फुल्ली सेफ है, टेंशन मत लो। उसके साथ साथ जो मैं बात कर रहा था गाइस, मैं सोच रहा हूँ तुम्हें नहीं लग रहा अपना बेडरूम ज्यादा ही खाली है, इसमें हमें चीजें लगानी चाहिए। लेकिन मैं सोच रहा हूँ डेकोरेशन के लिए क्या लगाए इधर हम ये लगा सकते। थोड़ा ये शेल्फ को ऐसे प्लेस कर देते हैं, मतलब इसको बुलाते हैं वही बनाने के लिए, ये सबको परफेक्ट है। एंड ये देखो भाई, ये हमें थोड़े डिजाइन्स तो मिल चुके हैं। और बना दो क्या ऐसे? रुक जाओ एक सेकंड, अगर मैं एक इधर बनाओ एक इधर बनाओ, अब ये वॉल थोड़ी प्यारी प्यारी सी लग रही है। एंड हर जगह पे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मुझे ना ऐसा करने का हर जगह पे तो मन नहीं है। मैं सोच रहा हूँ ना गाइस, हम लोग एक काम कर सकते हैं। इधर लाइट वगैरह का थोड़ा इशू तो है, क्योंकि अभी हमारे पास लाइट्स नहीं है वैसे। से। इधर हम लोग ये कर सकते हैं, लाइक एक सेकंड रुक जाओ। ये देखो, जब मुझे लाइक मैं बहुत ज्यादा थका होऊंगा सो मैं इधर भी खाना खा सकता हूँ राइट। सोने के साथ साथ आई गेस इधर ज्यादा चेयर्स नहीं देते, बस दो रख देते ऐसे करके। तो ये देखो ऐसे करके इधर हमारा खाने पीने का जगह भी बन गया रूम में, पूरा बड़ा बड़ा सब लग रहा है। बट अभी के लिए ना एक काम करते हैं, इसको छोड़ते, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ ना गाइस रूम पे ना इलेक्ट्रिसिटी का काम करवा लेते हैं पहले, पर ना इसमें लाइटिंग देंगे, क्योंकि मैं इसमें नॉर्मल आग वाग नहीं डालना चाहता हूँ। क्योंकि तुम लोगों को पता है यार रूम में आग रखना बहुत ज्यादा रिस्की है गाइस। ना ऐसे वॉल को कंप्लीट कर लेते हैं एंड इसको कैसे दो, अच्छा इधर गेट दे सकते हैं ना, एक सेकेंड रुक जाओ। इधर हम लोग एक गेट देते हैं ऐसा वाला, एंड अब इसके ऊपर हम लोग देंगे वॉल ऐसे। ये लेट्स गो भाई, अब ये बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। ऑल राइट गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो मैं कल रात को बहुत ज्यादा थक गया था, सो इसीलिए मैं आगे सो गया था। एंड मेरा बेडरूम तो तुम लोग देख ही चुके हो, बट ये कंप्लीट कर चुके हैं। बट इधर थोड़ी लाइट की इशू है, ये भी हम लोग कर लेंगे। इसी के साथ साथ ये देख सकते हो ओपन एयर वाला खाने का जगह, लाइक डिनर वगैरह लंच कुछ भी कर सकते हो आप लोग। एंड उसके साथ साथ अगर तुम लोग नीचे जाओगे, ये वाला सेक्शन मैंने बनाया है यूट्यूबर्स के लिए, जस्ट लाइक टेक्नो गेमर्स भाई जैसे। और भी कोई अगर हमारे बेस में आना चाहते हो तो लाइक आप लोग को दिल से वेलकम है मेरे भाइयों, आ सकते हो। आप लोगों के लिए ये वाली जगह बनाई है मैंने, बस थोड़ी सी लाइटिंग वाइटिंग की इशू है, वो भी कंप्लीट कर देंगे। लेकिन इधर भी व्यू बहुत ही मस्त होने वाला है गाइस। अभी बेस में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है, फिर अपने कपड़े वगैरह सब कुछ बनाने के लिए हमें चाहिए होगा, ये कहाँ गया, ये कहाँ रहता है, ये रहा। वेपन्स के लिए ये वेपन असेंबली लाइन बनानी है। वेपन्स के लिए हमें वेपन असेंबली लाइन, प्रोडक्शन असेंबली लाइन, ये किस लिए यूज होता था, ये यूज होता था, अच्छा ये बेसिकली हाई क्वालिटी वॉक बेंच से भी ज्यादा फास्ट है, ये हमें चाहिए। एंड और एक चीज चाहिए थी, ईयर असेंबली लाइन 2। सो ये सब कुछ अभी हम लोग बनाने वाले हैं। और जैसा कि तुम लोग देख सकते हो इधर मैंने बना दिया ये प्रोडक्शन असेंबली लाइन, इधर रही अपनी वेपन असेंबली, एंड ये रही अपनी स्पीयर असेंबली लाइन। तो मैंने ना फर्नेस को तोड़ दिया, मैं सोच रहा हूँ फर्नेस को हम लोग बनाते हैं इधर। तो बेसिकली मैंने इधर भी बना दिया इम्प्रूव फर्नेस, एंड इधर होने वाला है अपने इनगर्ट्स वो भी हमें चाहिए। एंड जैसा कि तुम लोग देख सकते हो और एक भी अपना कंप्लीट होने वाला है। एंड भाई साहब एस्टिकल कितना खुश है भाई, ये तो लाइक गाइस सो ही क्या क्या इतना मजा आ रहा है गाइस। एंड लाइक अबे ये इतना बड़ा है गाइस, लिटरली मैं भी नहा सकता हूँ इधर। बट ठीक है यार, ये बस अपने पोकेमॉन्स के लिए बनाते हैं, ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं यार। ऑलराइट गाइस, सो अभी हम लोग ना टेक्नो गेमर्स को अपना ही एक पोकेमॉन देने वाले हैं, जिससे कि भाई के बेस में कोई भी अटैक करना है तो देख रहे हो उसका क्या होगा। आइस वाला मैमोरेस जो कि मेरे पास एक ही है, एंड ये सबकी कुल्फी जमा देता है एक शॉट में, इसको दे रहे हैं। एंड भाई साहब अपना पावरफुल वाला जॉर्मोन्टाइटिग्निस, इसको भी हम लोग दे देते हैं भाई। अभी अगर भाई के बेस में कोई भी अटैक करने आने वाला है ना, वो तो भाई खत्म है। एनीवेज टेक्नो भाई, अगर आप ये देख रहे हो, आपके बेस के सिक्योरिटी के लिए मैंने ये किया है, सो यार प्यार है आपके लिए मेरे भाई। एंड देख रहे हो भाई इधर, लगता है मैं जब प्रेजेंट नहीं था ना कोई आया था भाई, इतनी सारी चीजें पड़ी हुई है, लेकिन इन पोकेमॉन्स ने इस बार इनको पीट के भगा दिया है। अभी के लिए ना हम लोग अपने बेस पे चल लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ गाइस, आप लोगों को क्या लगता है टेक्नो भाई को मेरे पोकेमॉन्स पसंद आएंगे ना, क्योंकि आइस वाला मैमोरेस टूल के पास है नहीं, एंड जॉर्मोन्टाइट इग्निस लाइक फायर टाइप वाला लेजेंडरी जॉर्मोन्टाइट भी नहीं है। एंड उनको मैंने बहुत ही मुश्किल से पकड़ा था, मेरे पास एक ही था वो यार, मैंने बट दे दिया, कोई नहीं भाई के लिए तो कुछ भी यार। और जैसे कि देख सकते हो अपना बेस भी बहुत ही कमाल का बन चुका है। बट मैं आप लोगों को लाइक नीचे से तो ये बेस ऐसे ही बहुत ज्यादा खतरनाक दिखता है, ये जो ऊपर का लुक है, ओ भाई साहब ये जो दिखता है ना गाइस, मैं आप लोगों को और एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि रात के टाइम पे ना मैंने आप लोगों को वो डिनर सेट वाली जगह दिखाई नहीं थी। एंड इधर बेसिकली ना हमें ये लाइट्स ऑन करने हैं, ये देखो एक तो। एंड भाई साहब देखो इधर से क्या ही क्रेजी वाला व्यू मिलता है हम लोगों को। इसके साथ साथ ये कौन सा साउंड है गाइस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई शाइनी टाइप का पोकेमॉन है। ये क्या है, अबे ये बिल्ली आ जाएगा, पकड़ लेते हैं यार, क्या ही है, एक शाइनी पोकेमॉन और मिल जाएगा हम लोगों को। एंड आ जाएगा क्या, लेट्स गो भाई, हमें शाइनी पोकेमॉन भी मिल चुका है आज। एनीवेज गाइस, आज की इस वाली वीडियो का इधर ही एंड करते हैं। देख रहे हो लाइक ये लोग क्या ही खुश है अपने नए बेस में, सब लोग सो रहे हैं भाई अलग ही मजे में। एंड उसके साथ साथ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर कि लाइक करो एंड सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में, बाय बाय।